हेलो एवरीवन, पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसलिटरेशन सीखा था, उसके बारे में जाना था और देखा था कि ट्रांसलिटरेट करते समय, यानी कि जब हम संस्कृत या हिंदी या इंडिक लैंग्वेजेस का रोमनाइजेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं और उन सिंबल्स का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रोनंसिएशन है वो प्रिजर्व किया जा सके जबकि हम स्क्रिप्ट दूसरी यूज़ कर रहे हैं। तो उन सिंबल्स के लिए एक शब्द हमने प्रयोग किया था जिसे कहते हैं डायक्रिटिकल मार्क्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग डायक्रिटिकल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि डायक्रिटिकल मार्क्स कौन कौन से होते हैं जो कि संस्कृत और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बेसिकली, या इंडिक लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं जब हम उनका रोमनाइजेशन करते हैं, उनको क्या कहते हैं और वो किन किन शब्दों पर लगते हैं, कब लगते हैं और उनसे किस तरीके का साउंड या प्रोनंसिएशन मिलता है। तो इनके बारे में आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डायक्रिटिकल नोटेशन के बारे में बात करते हैं। IAST यानी कि द इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट ऑफ संस्कृत ट्रांसलिटरेशन, इसमें हमारे पास ये चार सिंबल्स हैं जिनको कि हम डायक्रिटिकल मार्क्स कहते हैं। तो ये जो डॉट है इसे टिटल कहा जाता है, तो डॉट को टिटल कहते हैं, लेकिन आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो डॉट भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखा होगा कि आई के ऊपर एक डॉट होता है या जे के ऊपर ये एक डॉट होता है, तो इसे हम टिटल कहते हैं इस डॉट को। इसी को अंडर डॉट या अबव डॉट भी कहा जाता है। तो ये किन किन अल्फ़ाबेट्स पर लगते हैं? ये आर के नीचे लगता है जो कि हमने देखा था कि री में प्रयोग हुआ था, ठीक है। फिर ये अंग में एम के ऊपर प्रयोग होता है, कहीं कहीं IST में ही ऐसा माना जाता है और मिलता भी है। आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम के नीचे डॉट भी एक्सेप्टेबल है। तो बेसिकली एम के नीचे डॉट या एम के ऊपर डॉट, कहीं भी डॉट लगाते हैं आप तो इससे आपको अंग मिल जाता है। और एस के नीचे डॉट लगता है तो इससे हमें क्या मिलता है? मूर्धन्य श। फिर एन के ऊपर डॉट जो लगा है उससे हमें मिला था अंग। और एन के नीचे डॉट लगता है तो उससे हमें क्या मिलता था? ड। और एच के नीचे डॉट कब मिला था हमें? जब हमने अह की बात की थी। तो इसमें ये जो तीन स्वर हैं, ठीक है, और ये तीन व्यंजन हैं, इनमें हमने देखा था कि डॉट लगता है, ठीक है। अब ये जो बार है जिसे हम लोग बार कहते हैं, ठीक है, ये बार मैक्रॉन होता है। ये मैक्रॉन इसका नाम है, जैसे कि लॉजिक के बच्चे जानते होंगे कि इसे हम लोग इम्प्लाई भले ही पढ़ते हैं पर इसका नाम क्या होता है? हॉशू, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जैसे इसको नॉट पढ़ते हैं लेकिन ये निगेशन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम फिलॉसफी के लोग जानते हैं, और मैक्रॉन इसका नाम है लेकिन इसको बार पढ़ा जाता है। तो ये ए के ऊपर लगता है और जब भी ये लगता है तो वोवेल जो होता है वो लार्जर साउंड का बन जाता है, जैसे कि आ ई ऊ। तो ये आ ई ऊ, इन सब के लिए हमने मैक्रॉन यूज़ किया, यानी कि उन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर एक बार लगा दिया, यानी मैक्रॉन यूज़ किया और उसका जो साउंड है, प्रोनंसिएशन है, वो लार्जर वोवेल का हो गया। ये जो निगेशन जैसा एक सिंबल है इसे टिल्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर निगेशन में ही, इस निगेशन को ही इसे टिल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये टिल्डे जो है वो एन के ऊपर यूज़ होता है, और जब एन के ऊपर यूज़ होता है तो हम लोग जानते हैं कि ये किसके लिए यूज़ होता है? इय के लिए, ठीक है। और ये जो टेढ़ा सा बार, थोड़ा सा झुका हुआ, ऐसे एक झुका हुआ जो बार होता है, इसका नाम है एक्यूट। एक्यूट एक्सेंट के लिए ये यूज़ होता है। ये एक्यूट जो है ये एस के ऊपर लगता है, और कब लगता है? जब हमें तालव्य
श की ध्वनि निकालनी होती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन से अक्षर कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जो क वर्ग है वो गटरल होता है, यानी कंठ से। आप देखिए कि आप बोल के समझ सकते हैं कि क ख ग घ ङ, ये गटरल है, कंठ से प्रोनाउंस किया जा रहा है। फिर च छ ज झ इ, ये तालु से बोला गया। फिर ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धा से। फिर त थ द ध न, ये दंत। और प फ ब भ म, ये ओष्ठ। और इन सब में, इन पांचों वर्गों में जो लास्ट का वर्ड होता है जिसे हम पंचमाक्षर कहते हैं, उन सब में एक नेजल साउंड आता है, ठीक है। जैसे कि अंग अनुस्वार है, इसमें नेजल साउंड है। फिर ये अंग इय अण न म, इन सब में एक नेजल साउंड है जो कि नासिका से उच्चारित किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इसलिए जानते हैं ताकि, या हमें जानना चाहिए ताकि जब आप डायक्रिटिकल नोटेशन करें तो आपको पता हो कि कब कहाँ कौन सा डायक्रिटिकल मार्क्स यूज़ करना है ताकि प्रोनंसिएशन प्रिजर्व रह सके। अब डायक्रिटिकल मार्क्स हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रॉपर प्रोनंसिएशन करने में, ताकि संस्कृत और हिंदी में जो शब्द जैसे लिखा गया है उसे इंग्लिश भाषा में लिखते समय हम उसी तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। जैसे कि राम, अब बहुत सारे लोग ऐसे राम लिख देते हैं, ठीक है, या कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं और कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और आप तरह तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आ के लिए डबल ए और लास्ट में म को पूरा बनाने के लिए ए। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको रमा बोलना है, तो ये जो है रमा इसको पढ़ें या राम पढ़ें, इसको राम पढ़ें या राम, यानी कि राम या राम, इसको रम पढ़ें या क्या पढ़ें, ठीक है। तो रम राम राम रामा कुछ भी हो सकता है और आपको क्लियर ही नहीं होगा कि राम को एग्जैक्टली कैसे लिखना है। और जब आप डायक्रिटिकल मार्क्स यूज़ करते हैं, यानी कि र के लिए आर, ए के ऊपर एक बार रा, फिर म के लिए एम और एक ए लगा के म, यानी कि म को पूरा करते हैं, तो राम, अगर ये प्रयोग में आया और आपको डायक्रिटिकल नोटेशंस पता हैं तो आप एग्जैक्टली इसको राम पढ़ेंगे, आपको आप इसको फिर इसको रम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको रम पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे आप, अगर ये डबल ए है तो बेसिकली ये इसके हिसाब से पूरा ही नहीं होगा, और इसको भी बहुत सारे अलग अलग जो नोटेशंस हैं उनमें आ के लिए डबल ए यूज़ होता है, लेकिन आई ए एस टी जो है उसमें ये मान्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है। अब इसी तरीके से ज्ञान को देखते हैं। ज्ञान हम लोगों ने सीखा था कि जे एन के ऊपर एक टिल्ड और ए, ये ज्ञ होता है। अब ए के ऊपर अगर आ की मात्रा लगानी है तो एक माइक्रॉन और एन ए, ये हो गया ज्ञान। अगर आपको ये पता रहेगा कि जे एन उसके ऊपर टिल्ड और ए ज्ञ होता है तो आप इसको ज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि डायक्रिटिकल मार्क्स जो हम नोटेशन कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के टाइम पे, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं। जैसे कि लार्जर वोवल्स के लिए हमने बताया कि वो एक टॉप पर बार लगा देने से हो जाता है, ठीक है, ए बार आई बार यू बार। तो जैसे कि मार्क्स, इसमें जो आ की ध्वनि आई, पीस इसमें जो ई की ध्वनि आई, और शूट इसमें जो ऊ की ध्वनि आई, ठीक है। तो आ आ ई ऊ जो आप ऐसे लिखते हैं व्हाट्सएप स्टाइल में, या फिर चैटिंग करते समय, या रोमन स्क्रिप्ट में जब आप लिखते हैं बिना डायक्रिटिकल नोटेशन के रूल को फॉलो किए, तो आप कुछ ऐसा लिखते हैं, आ के लिए डबल ए, बड़ी ई के लिए डबल ई, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, मगर ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे एक मैक्रॉन से, यानी बार से।
अब रिगार्डिंग सिबिलेंस, एस स्टैंड्स फॉर द अनएस्पिरेट, जैसे कि ये सिर्फ सिंगल एस विदाउट हैविंग एनी अक्यूट और डॉट अंडर इट, हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि सन, सॉरी, सफिशियंट, इनमें जो स साउंड आ रहा है उस तरीके के स के लिए हम ये एस यूज करते हैं, जैसे कि सरल, सौम्य, सौम्या, है ना, सुमित, इस तरीके से सजल एटसेट्रा. अब एस के नीचे जब हम डॉट लगा देते हैं तो इट इज साउंडेड लाइक शन, शाइन, शिट. ठीक है, ये जो श है ये कहाँ से प्रयोग किया जा रहा है, देखिए मूर्धा से, श, श, ऋषि, शन. ओके, तो ये जो साउंड आ रहा है इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि श और श इन दोनों में अंतर है. अब स्ट्रॉन्ग पैलेटल एस जो होता है वो श, जो कि तालव्य, तालु से बोला जाता है, उसे हम ऐसे लिखते हैं, तालव्य श, और एस एक्यूट. ठीक है, जैसे कि शांति, शूटर, शूटिंग, शूज, एट्सेट्रा. ठीक है, और रिट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं यानी कि ट वर्ग के, यानी ट ग्रुप, इसके जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, एक अंडर डॉट से. तो आपने पहले भी सीख लिया है ट ठ ड ढ ड, इसको हम ऐसे लिखते हैं ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें किससे, डेंटल कॉन्सोनेंट से, यानी त वर्ग के अक्षरों से, जैसे त थ द ध न, इनसे अलग कर सकें. ठीक है, अब ट, जो लोग इटालियन, कोस्टल, डेंटल, इसमें जो ट आ रहा है उससे समझ सकते हैं अंतर किसका, पास्ता. ठीक है, ये जो त है, दमन, जो द है, ये सारे डिफरेंट, यानी ये डेंटल हैं, और ये ट, ठ, ड, ढ, ड, ये रेट्रोफ्लेक्स है. ठीक है, अब देखिए हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि नेसलाइजेशन जो सिंबल्स होते हैं, जैसे गटरल है, पैलेटल है, रेट्रोफ्लेक्स है, डेंटल है, लेबियल है, उन सब में अगर नेसल साउंड आता है तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जितने गटरल साउंड के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी कि क वर्ग के, है ना, तो क वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, नेसल साउंड के लिए एन के ऊपर डॉट यूज़ करते हैं. पैलेटल के लिए यानी च वर्ग के लिए हम एन टिल्ड यूज़ करते हैं. रेट्रोफ्लेक्स के लिए यानी ट वर्ग के लिए हम लोग नेसल साउंड के लिए हम एन के नीचे डॉट यूज़ करते हैं, और जो त वर्ग हैं उनके लिए हम एन यूज़ करते हैं, और लेबियल के लिए जो नेसल साउंड है उसके लिए हम यानी कि प वर्ग के लिए एम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो द नेसलाइजेशन अनुस्वार यानी कि अंग इज डिनोटेड बाय ईदर एम अबव डॉट और एम अंडर डॉट. जैसे कि अहिंसा, आपको कहीं अहिंसा ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और कहीं ऐसे भी. ठीक है, दोनों ही मान्य होंगे, आप इसमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज. तो आईएएसटी में बेसिकली ये अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन ये भी मान्य है और ये पहले से चला आ रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, सो इनके अलावा यानी आईएएसटी के अलावा, द इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट ऑफ संस्कृत ट्रांसलिटरेशन के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसलिटरेशन करने के लिए, लेकिन हमने जो अभी तक सीखा है वो आईएएसटी के हिसाब से सीखा है. ठीक है, तो यहाँ पर ITRANS, ITRANS है, हार्वर्ड क्योटो है, वेल्थ्यूइस है, SLP1 है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू ट्रांसलिटरेशन किया जाता है. यहाँ पर एक ट्रेडिशनल वे भी है, वो ट्रेडिशनल वे जो हम लोग बचपन में सीखते थे, जहाँ पर कि AAA फिर IEEU OO वो सीखते थे. ठीक है ना, तो वो बहुत ऑब्सलीट हो चुका है, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं क्योंकि ट्रांसलिटरेशन करने में उससे दिक्कत आती थी, तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो करते हैं. ठीक है, अब कुछ यहाँ पर हम एडिशनल चीज़ें साझा करना चाहेंगे, जैसे कि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें कि नुक्ता प्रयोग किया जाता है. ठीक है ना, नुक्ता, नुक्ता क्या होता है, नुक्ता एक ये डॉट होता है जो अक्सर कुछ शब्दों के नीचे लगा रहता है और उससे प्रोनंसिएशन में अंतर आता है. ठीक है, जैसे कि क और ख, इन दोनों में अंतर है, ख और ह,
इनमें अंतर है, ग और व इनमें अंतर है, ठीक है। इसी तरीके से ज ज फ फ, ठीक है। और ये अंग नहीं बल्कि ये ड़ है, ड़। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पड़ा, कड़ा। इसमें जो ड़ आता है ये भी नुक्ता कहते हैं लोग कि नुक्ता ही होता है। इसी तरीके से ढ नहीं बल्कि ढ़, तो ढ और ड़, सॉरी ढ़, इन दोनों में अंतर है। जैसे कि ढाई, ढाई में ढ प्रयोग होता है, और चढ़ाई, कढ़ाई, इन सब में ढ़ प्रयोग होता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिनसे कि अंतर आता है प्रोनंसिएशन में, उनके लिए भी ट्रांसलिटरेशन में कुछ ये मानक दिए गए हैं। जैसे कि अगर कहीं क्यू दिया हो तो क्यू से हमें ख समझना है, यानी कि जैसे कि कानून, खिताब, इनमें यूज़ होता है। अगर के एच के नीचे एक मैक्रॉन दिया हुआ हो तो इसको हम ख पढ़ेंगे, यानी कि खून, ख्वाहिश, इन शब्दों की तरह प्रोनंसिएशन करेंगे। ग के ऊपर अगर गम, इस तरीके के प्रोनंसिएशन, ग का प्रोनंसिएशन आपको करना है और उस साउंड को प्रिजर्व करना है ट्रांसलिटरेशन में, तो आप जी के ऊपर एक डॉट देंगे। ज के लिए जेड ए, ठीक है। F के लिए एफ ए। जैसे कि दो शब्द हैं हमारे पास, एक है फूल और एक है फूल, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो अगर फूल मतलब हम फ्लावर कहते हैं, और फूल यानी कि स्टुपिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एफ है, फ, एफ का उच्चारण फ होता है, यानी नुक्ता के साथ, जैसे कि फैसला, फन, फैशन, फूल, एट्सेट्रा, ठीक है। और पी एच से हम लोग क्या करते हैं, ये फ का उच्चारण करते हैं, जैसे कि फूल, फल, ठीक है, उस तरीके से। आर के नीचे अगर एक डॉट है सिर्फ ये, तो ये री को बताता था, राइट। और आर के नीचे एक डॉट के साथ ए लगा हो तो ये ड़ को बताता है, ठीक है। और आर के नीचे डॉट के साथ अगर एच ए भी लग जाता है तो ये ढ़ को बताता है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल ट्रांसलिटरेशन रूल्स थे, और जिनके थ्रू आप सही उच्चारण कर सकते हैं जब आप उर्दू फारसी के शब्दों का उच्चारण करेंगे, या कुछ ऐसे शब्द जो कि हिंदी भाषा में स्वीकृत हैं, मान्य हैं, और उनका सही उच्चारण करते समय और रोमनाइजेशन करते समय यदि आप ये रूल फॉलो करते हैं तो बेहतर होगा, और आप सही तरीके से अपने प्रोनंसिएशन को और उस शब्द को प्रिजर्व कर पाएंगे रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हुए भी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अब ये ट्रांसलिटरेशन का पूरा क्लास हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक यू एवरीवन।